गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास शर्मा। टुडे आई विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन गियर टाइप्स एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज गियर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन मोशन ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन एंड फोर्स ट्रांसमिशन। सो इनिशियली व्हाट इज गियर डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स, हम अटेन क्या करना चाहते हैं गियर के डिज़ाइन से। अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गियरिंग, understand gear trains and how to calculate ratios, recognize different gearing systems and relative advantages and disadvantages between them, understand geometry of different gears and their dimensional properties, recognize different principles of gearing, recognize the unorthodox ways gears can be used in different motion system. तो गियर डिज़ाइन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो गियर्स के टीथ की स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं, कितनी वेलोसिटी रेशियो से वो मोशन या पावर ट्रांसफ़र कर सकता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ गियरिंग को स्टडी करते हैं और जो गियरिंग सिस्टम है उसको कम्प्लीटली स्टडी करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन, गियर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। They can be applied between two shafts which are parallel, collinear, perpendicular and intersecting, perpendicular and non-intersecting, inclined at any arbitrary angle. So gears सबसे ज़्यादा use होते हैं power transmission के लिए। Power transmission एक shaft से दूसरी shaft पे या एक engine के part से दूसरे engine के part पे होती है। पावर ट्रांसमिशन किन्हीं भी दो शाफ्ट के बीच में हो सकता है, चाहे वो पैरेलल हो, कोलिनियर हो, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग हो, परपेंडिकुलर और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, और किसी एंगल पे अगर वो तिरछी हो। शाफ्ट्स की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप की गियरिंग यूज करेंगे। गियर्स आर मेड टू हाई प्रिसीजन परचेज फ्रॉम गियर मैन्युफैक्चरर्स रेदर देन मेड इन हाउस। However, it is necessary to design for a specific application so that proper selection can be made. Used to be called toothed wheels dating back to 2600 BC. जो gears का use है वो depend करेगा कि हमारी requirement कैसी है। Gears बहुत साल पहले 2600 BC से use करना start हो गया था, परंतु उस time gears की manufacturing या gear का material थोड़ा अलग होता था। जो बेसिकली स्टार्टिंग में गियर्स यूज होता था वो इस तरह की अरेंजमेंट होती थी। ये जो गियरिंग की अरेंजमेंट हमने इस डायग्राम से शो की गई है, ये ओल्ड एजेस में इस तरह के गियर्स बनाए जाते थे। जैसा कि इस डायग्राम से शो होता है, एक बहुत बड़ा व्हील है जिसके बीच में शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक पुली लगाकर उसके ऊपर टीथ बनाए गए हैं राउंड शेप में, क्योंकि उस टाइम तक इतनी फिनिशिंग नहीं हो पाती थी गियर्स की या मटेरियल की, सो राउंड पीसेस और मोटे गियर के टीथ बनाए गए। ये है कि किस तरह से हम गियर यूज करते थे पुराने टाइम में। ये जो डायग्राम शो किया गया है ये पावर टेक्सटाइल मशीनरी से शो किया गया है। इसमें स्लो रोटेशन इनपुट फ्रॉम नेचुरल पावर सोर्सेज वाटर हॉर्स, जो लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा गियर शो किया गया है, इसको हॉर्स से या पानी की पावर से चलाया जाता था, और इसके ऊपर राउंड जो टीथ दिखाए गए हैं वुडन कॉग, ये लकड़ी के बने होते थे, जो दूसरे गियर के अंदर कैविटी होती थी उस कैविटी में डल के ये उसको रोटेट करते थे। फास्टर रोटेशन आउटपुट गोज टू पावर टेक्सटाइल मशीनरी, यानी कि बड़े गियर से छोटे गियर को घुमाते थे तो आरपीएम हमें ज़्यादा मिलती थी, जिस आरपीएम और पावर को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ट्रांसफर करते थे। ये इनिशियल स्टेजेस में गियर्स हैं जो पुराने टाइम में टेक्सटाइल मशीनरी में यूज होते थे। नाउ गियर टाइप, गियर टाइप्स आर स्पर गियर, इंटरनल गियर्स, मोस्ट कॉमन फॉर्म यूज्ड फॉर पैरेलल शाफ्ट्स, स्टेबल फॉर लो टू मीडियम स्पीड एप्लीकेशंस, रिलेटिवली हाई रेशियो कैन बी अचीव्ड,
स्टील ब्रास ब्रोंज कास्ट आयरन एंड प्लास्टिक्स कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम शीट मेटल। तो जो स्पर गियर है उस स्पर गियर को हम पैरेलल शाफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये लो मीडियम स्पीड के लिए यूज होता है, इससे हम हायर स्पीड रेशियो ले सकते हैं। इसका मटेरियल स्टील ब्रास ब्रोंज कास्ट आयरन या प्लास्टिक होता है। इसको शीट मेटल से भी बनाया जा सकता है। नाउ गियर पैरामीटर्स। गियर पैरामीटर्स आर, गियर पैरामीटर का मतलब है कि किसी भी गियर को एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें रिक्वायर्ड होंगी। वो हैं नंबर ऑफ टीथ, फॉर्म ऑफ टीथ, साइज ऑफ टीथ, फेस विड्थ ऑफ टीथ, स्टाइल एंड डायमेंशन ऑफ गियर ब्लैंक, डिजाइन ऑफ द हब ऑफ द गियर, डिग्री ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड, means of attaching the gear to the shaft, means of locating the gear axially on the shaft. Now gear के parameters को हम understand करने के लिए इस diagram को study करेंगे। इस diagram में different जो parameters होते हैं gear के या gear teeth के, उनको show किया गया है। right hand side का gear जो हम देखते हैं, इसमें दिखाया गया है face, flank, बॉटम लैंड, पिच सर्कल, क्लियरेंस सर्कल। जो पिच सर्कल से नीचे का डिस्टेंस होता है टूथ के बेस तक, उसको हम डेडेंडम, और पिच सर्कल से टूथ के ऊपरी हिस्से तक के डिस्टेंस को हम एडेंडम कहते हैं। अगर बाहरी हिस्से को हम एक सर्कल से मिलाएं तो उसको हम आउटसाइड सर्कल बोलेंगे और अंदर वाले को इनसाइड सर्कल बोलेंगे। तो ये डायग्राम शो करता है गियर्स के नोमेनक्लेचर को, यानी गियर्स के पैरामीटर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और किस पोजीशन को किस नाम से पुकारेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन। टू अंडरस्टैंड द गियर्स वन शुड बी फैमिलियर विद द गियर टर्मिनोलॉजी। स्पर गियर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। स्पीड ऑफ मेटिंग गियर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीथ। मेटिंग गियर शुड हैव द सेम डायमीटरल पिच। A number of gear manufacturing methods are available. Good gear design should take care of power, speed, life and material properties. तो gears में जो transmission होता है एक gear से दूसरे gear पे, तो सबसे पहले उनकी diametral pitch जो है equal होनी चाहिए। अगर power transmit वाला करने वाला gear बड़ा है तो हम higher velocity ratio ले सकेंगे, यानी कि shaft की जो receiving गियर है वो ज्यादा तेजी से घूमेगा। बट अगर पावर ट्रांसमिशन करने वाला गियर छोटा है और वो बड़े गियर को पावर ट्रांसमिट करता है तो बड़ा गियर कम स्पीड से घूमेगा। नाउ गियर्स। ए मैकेनिज्म बाय विच टू ट्रांसमिट अ रोटेशनल मोशन फॉर कन्वर्जन टू लीनियर मोशन, कन्वर्जन टू रोटेशनल मोशन एट द सेम velocities and torque, gear tooth quality affects energy transmission, vibration and noise, frictional and wear characteristics. तो gears एक ऐसा mechanism है जो rotational motion को transmit करने के काम आता है linear motion में या rotational motion में। जो gear tooth की quality है, उसका material है, उसकी finishing है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट डलता है हमारे एनर्जी ट्रांसमिशन पे और वाइब्रेशन और आवाज पे, जो नॉइस क्रिएट होता है। तो इसलिए हमें बेस्ट क्वालिटी के गियर्स और मटेरियल यूज करना चाहिए। नाउ गियर टाइप्स। गियर टाइप्स आर हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में टीथ आर एट एन एंगल। जो टीथ होते हैं वो एंगल होते हैं, जो कि इस डायग्राम में शो किया गया है। यूज्ड फॉर पैरेलल शाफ्ट्स, ये पैरेलल शाफ्ट के लिए यूज होता है। टीथ इंगेज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग शॉक्स, यानी कि झटके वाली जगह जहां शॉक्स लग सकते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनका इफेक्ट कम करने के लिए इन गियर्स को यूज करते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम विच शो हेलिकल गियर।
इसमें देखिए जो मैशिंग है गियर्स की वो किस तरह से हो रही है, और एंगुलर टीथ टीथ जो हैं एंगल पे तिरछे बनाए गए हैं ताकि उनकी मैशिंग प्रॉपर हो और शॉक को वो इजली दूर कर सके या एब्जॉर्ब कर सके। नाउ हेलिकल गियर कैरेक्टरिस्टिक्स, हेलिक्स एंगल 7 to 23 डिग्रीज, मोर पावर, लार्जर स्पीड्स, मोर स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, हेलिक्स एंगल मस्ट बी द सेम फॉर बोथ द मेटिंग गियर्स, प्रोड्यूसेस एक्सियल थ्रस्ट विच इज ए डिसएडवांटेज। यानी कि जो हेलिकल गियर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो हेलिक्स एंगल है वो 7 to 23 डिग्री होता है, इससे हम ज़्यादा पावर, ज़्यादा स्पीड, स्मूथ और क्वाइट ऑपरेशन ले सकते हैं। ये गियर मेनली ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, और हेलिकल गियर की कंडीशन ये होती है कि दोनों गियर्स के जो हेलिक्स एंगल हैं वो सेम हों। नाउ हेरिंगबोन गियर्स, टू हेलिकल गियर्स विद ओपोजिंग हेलिकल एंगल्स साइड बाय साइड, एक्सियल थ्रस्ट आर कैंसिल। नाउ दिस डायग्राम इज हेरिंगबोन गियर्स। इस गियर में हम क्या दिखाते हैं कि हेलिकल गियर में जिस तरह से टीथ होता था, इसमें टीथ की जो मेकिंग या अरेंजमेंट होती है वो दो तरह से होती है, एक हिस्से में बाहर की तरफ एंगल होता है और एक हिस्से में अंदर की तरफ एंगल होता है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में दो तरह की एंगुलर फॉर्म होती है और दोनों तरह के टीथ सेंटर में आके मिलते हैं। इस तरह की गियर अरेंजमेंट से हम एक्सियल थ्रस्ट को कम कर सकते हैं। नाउ दिस इज आल्सो अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेरिंगबोन गियर्स। इसमें आपको मेटिंग दिखाई गई है जिसमें एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर पावर ट्रांसमिट होती है, और जो मेटिंग है शाफ्ट की या गियर्स की वो एक या एक जगह से ज्यादा पे हो सकती है। नाउ गियर टाइप्स, बेवल गियर, बेवल गियर हैव कॉनिकल शेप। नाउ दीज आर बेवल गियर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड माइटर गियर्स, दीज आर यूज फॉर 1:1 रेशियो, यूज टू चेंज द डायरेक्शन। जो बेवल गियर है मेनली वो पावर ट्रांसमिशन करता है वहाँ पे जहाँ पे पावर की डायरेक्शन को हमने चेंज करना हो, यानी कि ये गियर मेनली परपेंडिकुलर शाफ्ट्स के बीच में यूज होता है, 90 डिग्री के एंगल पे ये पावर ट्रांसमिट कर सकता है। नाउ दिस इज अ क्लोज अरेंजमेंट ऑफ बेवल गियर्स। इस डायग्राम से हमें पता लगता है कि जो शाफ्ट्स हैं जिनसे पावर एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को ट्रांसफॉर्म होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। दिस इज अनदर अरेंजमेंट ऑफ बेवल गियर्स। इसमें टॉप पे देखिए आप बेवल गियर्स की अरेंजमेंट शो की गई है, परपेंडिकुलर शाफ्ट आके ये रिवॉल्व करेगी नीचे वाले हिस्से को। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ गियर इज वर्म गियर्स। दीज आर यूज्ड फॉर लार्ज स्पीड रिडक्शन बिटवीन टू परपेंडिकुलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स। ड्राइवर कॉल्ड वर्म लुक्स लाइक ए थ्रेड। यानी कि जो वर्म गियर है वो दो परपेंडिकुलर और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट गियर अरेंजमेंट इज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ए रैक इज ए गियर वोज पिच डायमीटर इज इनफाइनाइट, रिजल्टिंग इन ए स्ट्रेट लाइन पिच सर्कल। इनवोल्यूट ऑफ ए वेरी लार्ज बेस सर्कल अप्रोच इज ए स्ट्रेट लाइन, यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन टू स्ट्रेट लाइन मोशन, यूज इन मशीन टूल। जो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में एक गियर बहुत ही बड़े बेस सर्कल के साथ होता है। ये गियर अरेंजमेंट मेनली रोटरी मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन में चेंज करने के काम आता है। ये है
रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, जिसमें एक गियर जो नीचे दिखाया गया है वो लगभग स्ट्रेट दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका डायमीटर बहुत बड़ा है। नाउ दिस इज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट शोन बाय अ डायग्राम। इसमें जो एक स्ट्रेट गियर दिखाया गया है बीच में, ये आपका ऐसा गियर है जिसका डायमीटर बहुत बड़ा है, और एक पिनियन जो स्मॉल गियर है ये इसके ऊपर रोटेट करता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ गियर इज इंटरनल स्पर गियर। इट प्रोवाइड्स मोर कम्पैक्ट ड्राइव्स कंपेयर टू एक्सटर्नल गियर्स। दे प्रोवाइड लार्ज कॉन्टैक्ट रेशियो, रिलेटिवली लेस स्लाइडिंग एंड हैंस लेस वियर कंपेयर टू एक्सटर्नल गियर्स। नाउ दिस इज अरेंजमेंट शोन बाय डायग्राम फॉर इंटरनल स्पर गियर। इसमें जो स्पर गियर दिखाया गया है उसमें अंदर के टीथ दिखाए गए हैं। दिस इज इंटरनली मैशिंग स्पर गियर। इसके अंदर देखिए इंटरनल टीथ एक गियर पर बनाए गए हैं जो बाहरी गियर है, और एक गियर जिस पे एक्सटर्नल टीथ हैं वो इसके अंदर रोटेट करता है। इस अरेंजमेंट में जो मोशन होगी रोटेशन की दोनों गियर्स की वो सेम डायरेक्शन में होगी। नाउ समरी, टू अंडरस्टैंड द गियर्स वन शुड बी फैमिलियर विद द गियर टर्मिनोलॉजी, यानी कि गियर्स को समझने के लिए हमें गियर की टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। स्पर गियर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। स्पीड ऑफ मेटिंग गियर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ। मेटिंग गियर्स शुड हैव द सेम डायमीटरल पिच। ए नंबर ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स आर अवेलेबल। गुड गियर डिजाइन शुड टेक केयर ऑफ द पावर, स्पीड, लाइफ एंड मेटेरियल प्रॉपर्टीज। तो गियर की मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए हमें गियर्स को प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा। गियर्स को प्रॉपरली डिजाइन करने के बाद उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का मेथड है वो प्रॉपर यूज करेंगे। जो मेटिंग है गियर्स की उनकी डायमेट्रल पिच इक्वल होगी, और जो शाफ्ट के साथ उनकी मेटिंग है वो प्रॉपर होगी, तभी हम प्रॉपरली वेलोसिटी रेशियो प्राप्त कर पाएंगे जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गियर जनरेशन, यानी गियर को हम जनरेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। देर आर टू मेन मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग गियर्स, फॉर्म कटिंग, जनरेटिंग। नाउ फर्स्ट इज फॉर्म कटिंग। कटर माउंटेड ऑन एन आर्बर ट्रेवल्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ गियर, यानी कि जो कटर है वो एक आर्बर के ऊपर माउंटेड होता है और वो गियर के एक्सिस के पैरेलल मूव करता है। आफ्टर ईच पास द गियर इज रोटेटेड ए कांस्टेंट अमाउंट, यानी कि हर एक पासिंग के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट का डिस्टेंस कवर करता है। ब्राउचिंग इज ए फॉर्म कटिंग मेथड। जो ब्राउचिंग होती है वो फॉर्म कटिंग मेथड है। ये पर्टिकुलरली इंटरनल गियर के टीथ बनाने के लिए यूज होती है। ये हाई क्वालिटी प्रोडक्शन में मोस्टली यूज होती है। नाउ दिस इज द डायग्राम विच शोज फॉर्म कटिंग। इस डायग्राम से हमें ये पता लगता है कि जो फॉर्म कटर है जो रेड कलर में शो किया गया है वो एक्सिस के पैरेलल में मूव करता है, और नीचे गियर ब्लैंक है जिसके ऊपर, जिसकी पेरिफेरी के ऊपर इस कटर से टीथ फॉर्म हो रहे हैं। जैसे जैसे एक रोटेशन कंप्लीट होगी एक टीथ आपका बन जाएगा। नाउ